बिहार में शराबबंदी तो फिर कैसे बिक रही है जहरीली शराब। नीतीश सरकार की शराबबंदी कानून की खुल गई पोल। जहरीली शराब पीने से कैमूर में 3 लोगों की हुई मौत। जहरीली शराब पीने से हुई मौत से परिवार में मचा हाहाकार। जहरीली शराब के केस को रफा दफा करने की हो रही है कोशिश। क्या पीड़ित परिवार की मदद के लिए आएगी बिहार सरकार। मेहनत मजदूरी कर जीवन गुजारने वाले परिवार में कोहराम। क्या गरीब परिवार पर दया करेंगे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी का कानून लागू है। आए दिन नीतीश बाबू इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं, लेकिन हर रोज शराब के अवैध कारोबार का मामला सामने आता है। इसके बावजूद सरकार केवल बड़े बड़े बयान देकर शांत हो जाती है। खैर, इस बार तो जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो गई। ये खौफनाक मामला कैमूर जिले से सामने आया है। भभुआ थाना क्षेत्र के कूड़ासन गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों का निजी क्लिनिक में अभी इलाज हो रहा है। जिन घरों के कमाने वाला इंसान जहरीली शराब पीने से काल के गाल में समा गया है, वहां मातमी सन्नाटा पसरा है। घर की महिलाएं रो रो कर अपने दुख और गम का इजहार कर रही है। घर की महिलाओं का रोना सुनकर पूरे गाँव के लोगों की आँखों में आंसू भर आई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कूड़ासन गांव में 6 लोग एक साथ बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे। शराब पीने से थोड़ी देर के बाद ही सभी लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। इसमें से 3 लोगों की तो जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, वहीं 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं जहरीली शराब पीकर बीमार हुए एक शख्स ने सारी पोल पट्टी खोल दी है। कैसे आप कैसे कुछ खेले पीले रही जा है? कुछ खेले पीले रही जा दारू पीले। अच्छा ठीक है, को आदमी रही जा हमने को 4-5 जने रही। सबकर तबीयत खराब हो गई बा? नहीं, खाली हमारे भैया। कहां से पीले रही जा? कहां से पीले रही जा? कुड़ासने से। के करे कन से? मुन्ना मुसरकन से। अच्छा, अभी कैसन तबीयत बा आपके? तबीयत ठीक है। कुछ आदमी मर भी गई बा ना? अभी तो हम बाहर ही बाहर है, अभी घर पे गए थे। तो कल लोग के मरने की सुने हैं? कल लोग मरने की सुने हैं? दो लोग को। आप है कौन? क्या क्या नाम है? क्या क्या नाम है दोनों का? लालू बीन। राम केसी कुहार। अच्छा ठीक। आपके क्या नाम है? धर्मेंद्र का। वही कूड़ासन गांव के रहने वाले राजकुमार नाम के शख्स ने इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहा। शराबबंदी कानून के खौफ की वजह से उन्होंने घटना पर ज्यादा बोलने से परहेज किया। अरे भैया, ये लोग देखते बानी 4-5 जाने के तबीयत खराब बा। काहे तबीयत खराब बा? काहे तबीयत अब होने जानना जानी। अच्छा ठीक है, तो मन कुछ कह दिन मर गिल बा ना? मुश्किल से 2 लगातार हमने के देखे में 3 3 मर गिल बा ना? काका नाम है? हम नाम ही नहीं के पता हमके के का नाम, इनका नाम जाना था नहीं। तब कहाँ के मरे वाला हुआ जा? कूड़ासन के। 3 लोग मर गिल बना? ठीक है। 2 एगो देव एगो सिकुरा। अच्छा, रेफर भी भइलो कोई? अभी पता नहीं। अच्छा, का नाम आपके? लक्ष्मण।
जहरीली शराब पीकर बीमार हुए लोगों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में बीमार लोगों के परिजन भी मौजूद रहे। वहीं मोकरी पंचायत के मुखिया जयशंकर बिहारी ने बताया कि 3 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। अभी जानकारी हम लोगों को मिला शाम को कि कुड़ासन गांव में 3 लोगों की दारू पीने से मौत हो गई है और 2-3 लोग जो बीमार हैं सीरियस हैं वो लोग कहीं भर्ती हैं। यही हम लोग को जानकारी मिला तो अभी हम लोग आए हैं कुड़ासन गांव में पता करने के लिए भाई मामला क्या है। तो यहां पता चला कि दारू पीने से लोगों की मौत हो गई है। 3 लोगों की मौत हुई है। 3 लोगों की मौत हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा जयशंकर बिहारी, मुखिया मकरी पंचायत। जहरीली शराब से मौत होने के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है। वहीं जांच के लिए मौके पर पहुंची भभुआ की DSP सुनीता कुमारी ने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। सुनीता कुमारी ने बताया कि वो मामले की जांच करने आई है, लेकिन उन्होंने अपने बयान में जहरीली शराब का जिक्र तक नहीं किया। उसी के बारे में पड़ताल कर रहे हैं। क्या कौन गाँव है इसमें मैडम? कुड़ासन का। और कोई मतलब बीमार भी है? सूचना भी मिली है, जांच हम लोग कर रहे हैं। वहीं कैमूर के DM और SP कुड़ासन गांव पहुंच गए हैं। वहीं एक व्यक्ति का शव गांव में पड़ा हुआ था और 2 लोगों के शव को अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन बाहर ले जा रहे थे। पुलिस उन दोनों लोगों के शव का पोस्टमार्टम कराने और उन्हें वापस लाने के लिए परिजनों से बात कर रही है। हालांकि जिला प्रशासन जहरीली शराब से मौत के मामले की पुष्टि नहीं कर रहा है। जिला प्रशासन के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा होगा। वही ना तो इतने बड़े कांड में SP और DM ने कोई बयान दिया है। उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस मामले में सही तस्वीर बताएगी। पंजाब केसरी TV के लिए कैमूर से अजीत गुप्ता की रिपोर्ट।